ये कितनी सुंदर इमारत है पीछे की साइड, मेरे नज़र नहीं हट रही मेरी इस इमारत से, क्योंकि मैं भी स्क्रीन में देख रहा हूँ सामने की साइड। ये टैक्सियाँ कोलकाता की, ये बड़े रेट काटते हैं भैया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है म्यूज़ियम में कि यहाँ पे ना आप इन लोगों की हिस्ट्री दे सकते हो स्क्रीन पे, और चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जी सेक्टर 5 पे आ गया हूँ मैं, वो थी सामने वाली बस यूज़ करी भाई, माँ कसम बस तो बढ़िया है। पर अच्छा कोलकाता की ना जो एक बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, वो है यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। मतलब सारी बिल्डिंग ना, नॉर्मली बिल्डिंग भी सारी हिस्टोरिकल टाइप्स ही है। और यहाँ से चर्च की एग्जिट है, चलिए बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको चर्च का एक्सपीरियंस बताता हूँ और थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। अलग अलग प्रकार के कलर है, मतलब अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स है, ब्लैक करंट, ब्राउन, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके। मैं जा रहा हूँ यहाँ की लोकल बस से कोलकाता की, और देखो यहाँ की टिकटें जो होती है ना छोटी, देखो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी, ठीक है, इससे पेपर भी सेफ हो रहा है। बेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, होपफुली आप सब ठीक होगे। तो कोलकाता में मेरा चल रहा है सेकंड डे, अभी मैं हूँ होटल में। अब हम चलते हैं बाहर, आज मैं दिखाता हूँ कि आपको आज मैं कहाँ कहाँ घुमाने वाला हूँ। पहले हम होटल से बाहर चलते हैं, और अगर आपको होटल का एपिसोड देखना हो या मैं दिल्ली से कैसे आया हूँ कोलकाता, उसका फेयर वगैरह जानना हो, तो मेरे फर्स्ट एपिसोड पे चले आइए। और अगर आपको होटल भी जानना हो कि कहाँ लेना चाहिए कोलकाता में होटल, तो फर्स्ट एपिसोड पे जाइए और देख लीजिए, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए मैं 8वें माले पर रुका हूँ, वे देखो कितना नीचे है। तो चलिए आइए नीचे चलते हैं। तो जी दोस्तों, होटल से मैं आ चुका हूँ नीचे की साइड, अब हम चलते हैं घूमने। देखो मेरा पहले प्लान कुछ ऐसा था कि आज मैं आपको ना मेट्रो घुमाता है यहाँ की कोलकाता की, पर प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर 5 की जो होती है ये पूरा ना IT हब है, तो संडे के दिन यहाँ की मेट्रो बंद होती है। मतलब दिल्ली के तो 7 दिन खुलते ना, पर यहाँ पे संडे के दिन बंद होती है। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे इसके थ्रू, माध्यम के थ्रू, क्योंकि नेट पे नहीं दिखा रहा कुछ की चल रही है नहीं चल रही। तो अब मैंने ओला उबर में से कर ली है टैक्सी, चलाओ चलते हैं, आ चुकी है कैब, पूरी कैब, चलाओ चलते हैं और घुमाता हूँ आपको कोलकाता। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कोलकाता का सबसे फेमस आई कैचिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन, विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए तो आपका स्वागत है कोलकाता की सबसे फेमस और यूनिक बिल्डिंग विक्टोरिया हाउस में, विक्टोरिया मेमोरियल में। ये देखिए जो अंदर है वहाँ पे आपको मिलेगा म्यूज़ियम, और ये चारों ओर जो बिल्डिंग है गार्डन से घिरी हुई है। और जो टिकट है वो यहाँ की 30 रुपये की है, वहाँ बाहर तो लिखा हुआ था कि 30 रुपीज़ म्यूज़ियम के और 20 रुपीज़ है पार्क के, बट वहाँ पे मैं जब मैंने टिकट ली तो वो कह रहे सभी इसी में है 30 रुपीज़ में। अब मुझे सीन नहीं समझ में आया इसका। और वैसे वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो बैग है ना वो अलाउड नहीं है, आपको ना यहाँ पे रखवाना पड़ता है रूम में, बैग रूम में। पर जब हमने सिक्योरिटी चेक कराया मैंने, तो उन्होंने बोला ले जाओ बैग बस, बट हाँ ट्राईपॉड अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो ट्राईपॉड मत लेके आना। अच्छा म्यूज़ियम में जाने से पहले थोड़ा आपको कनेक्टिविटी की बात बता देता हूँ, मैं तो आया हूँ यहाँ पे कैब से, अदरवाइज़ अगर आपको मेट्रो से आना है तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मैदान का मेट्रो स्टेशन। ये देखिए साइड में कितनी सुंदर झील है। चलिए आइए म्यूज़ियम में चलते हैं और म्यूज़ियम को समझते हैं, अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो वीडियो बना के आपको म्यूज़ियम भी अंदर से दिखा दूंगा। चलिए ये सफ़ेद चमचमाती हुई बिल्डिंग की आपको थोड़ा इतिहास बता देता हूँ, सुनिए नरेशन करके इतिहास बताता हूँ, बिकॉज नॉइज आएगा नहीं तो अदरवाइज़। सफ़ेद मार्बल से बनी हुई खूबसूरत इमारत को बनाने का निर्माण रानी विक्टोरिया की याद में भारत पर उनकी 25 साल की राज करने की खुशी में बनाया गया था। इस इमारत को अंग्रेजों ने 1906 से 1921 में बनवाया था, और ये जो प्रॉपर खुल गया था वो खुला था 1921 में, खुल गया था सब लोगों के लिए। आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस इमारत को बनाने में जो पैसा लगा था वो भी हमारे भारतीय लोगों से लिया गया था, और उस जमाने में इस इमारत को बनाने में कुल 1,05,00,000 का खर्चा आया था। अच्छा ये सब सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि विक्टोरिया मेमोरियल जो विक्टोरिया रानी है उनकी याद में बनाया, तो हम क्या जाके करेंगे यहाँ पे, बल्कि हमसे ही पैसा ऐड कर ये इमारत बनाई गई थी। तो जी जो ये इमारत है ना देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी जब आप इस इमारत के अंदर जाओगे। अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ किस बात की खुशी होगी आपको इमारत के अंदर जाके। चलिए आइए, आई थिंक आपको हिस्ट्री तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, चलिए आइए म्यूज़ियम के अंदर चलते हैं। यहाँ बहुत सुंदर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, और वो लगाई हुई सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या किया था अपने टाइम में,
दिखाता हूँ मैं। आप जैसे इस म्यूजियम के अंदर आओगे तो आप देखोगे चारों ओर हमारे और आपके सुभाष चंद्र बोस जी की काफ़ी सुंदर पेंटिंग लगाई हुई है और उनके पुराने नोट्स भी रखे गए हैं, जो कि देख के ऐसा लगता है कि ये विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का मेमोरियल है। ये सब देखकर आपको एज अ इंडियन काफ़ी प्राउड फील होगा। इन चित्र के थ्रू दर्शाया गया है कि जो बिल्डिंग है किस सदी में किस तरह की बन चुकी थी और ये पूरी तैयार होके कैसी दिख रही थी। और जो म्यूजियम का ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे सारे ब्रिटिश के टाइम की पेंटिंग्स लगाई हुई है, ये दिखाता हूँ आपको। देखिए म्यूजियम के राइट हैंड साइड आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जो आप देख रहे हो ये उसका मॉडल है जिस शिप से ये लोग भारत आए थे। ये काफी बड़ा म्यूजियम है और अगर आप म्यूजियम देख के थोड़ा थक जाते हैं तो यहाँ सीटें भी लगाई हुई बैठने के लिए, इतना सुंदर म्यूजियम है। और फिर चारों तरफ इस हॉल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और उनके काफी सारे पुराने वस्तु रखे गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है म्यूजियम में कि यहाँ पे ना आप इन लोगों की हिस्ट्री दे सकते हो स्क्रीन पे और चेंज भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। सारे ईयर्स की लिखी हुई हिस्ट्री है यहाँ पे एक जगह। म्यूजियम नीचे से देख लिया, आप चलते हैं हम वहाँ ऊपर। अभी नीचे से बोल रहा था ना, आप देखो आ गए हम ऊपर और विक्टोरिया हाउस की बालकनी से कुछ ऐसा व्यू है सामने का, चारों ओर हरियाली है। चलिए आइए बाहर चलते हैं अब मेमोरियल के गार्डन वाली साइड में और फिर मैं अपना रिव्यू बताता हूँ मुझे कैसा लगा विक्टोरिया मेमोरियल। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है, पूरी हिस्ट्री बताई गई अपने इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे। और चारों ओर बस सफ़ेद इमारत है यहाँ पे बाहर की साइड तो, और अंदर की साइड जैसे कि होता है आर्किटेक्चर होता है, और यहाँ पे गार्डन है इधर की साइड चारों। तो जी जैसे कि आपको या मुझे दोनों को ही मेमोरियल म्यूजियम काफ़ी सुंदर लगा, आइए अब गार्डन में थोड़ी देर बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। गार्डन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यहाँ का और बहुत बड़ी झील है यहाँ पे गार्डन के बीच में। आइए आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद आगे का प्लान बताता हूँ। जब अंदर से म्यूजियम घूम ले तो आराम से गार्डन में आके बैठ के रेस्ट करिए और यहाँ की ग्रीनरी का मज़ा लीजिए। और मुझे एक और चीज़ याद आई वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी के फ़ैन हैं तो मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया, मुझे ना एक लिंक मिला था जहाँ पे आके मैंने क्लिक करके सुना था कदम कदम बढ़ाए जाओ, 125वीं जयंती थी ना उस पे बच्चों ने जो है कदम कदम बढ़ाए जाओ एंथम गाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और ये विक्टोरिया मेमोरियल के सामने ही गाया है तो इसलिए आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये मेरा ब्लॉग देखने के बाद उनको देखोगे तो। तो जब ये एपिसोड कंप्लीट हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आके लिंक पे आके क्लिक करके देख लेना, काफ़ी ऑसम है। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैंने देख लिया है विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम भी और गार्डन में मैं बैठ चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं बाहर की साइड नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने कलकत्ता का। देख कितनी सुंदर इमारत है पीछे की साइड, मेरे नज़र नहीं हट रही मेरी इस इमारत से क्योंकि मैं भी स्क्रीन में देख रहा हूँ सामने की साइड। चलिए ये नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में चलते हैं, बाहर चलते हैं अभी पहले। तो जी सामने रहा विक्टोरिया मेमोरियल मेरे, और जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहीं से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। मैंने आपको ना स्टार्टिंग में नहीं बताया था पर अब बताया था, यहाँ के ना दो गेट हैं, एक उधर की साइड है एक इधर की साइड है, पर जहाँ से मैंने एंट्री करी थी वहीं से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊँगा, पहले चलते हैं हम बाहर। यार एक चीज़ है कलकत्ता में ना, जैसे दिल्ली में नहीं होता ग्रीन और येलो कलर पर ज़्यादा फोकस किया होता रोड पर, यहाँ मैं देख रहा हूँ ब्लू कलर पर ज़्यादा फोकस है, देखो ज़्यादा यहाँ पर ब्लू कलर पर फोकस है। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि मैंने वाले गेट से क्यों एग्जिट किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि सामने ना चर्च है, मतलब वो गेट से तो थोड़ा आपको वॉक करने के आना पड़ेगा 500 मीटर, पर वो गेट से आपको ज़्यादा पास पड़ेगा चर्च। तो अब हम चलते हैं चर्च। तो जी दोस्तों अब आपका स्वागत है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में, मेरे पीछे की साइड चर्च है, आइए चलते हैं चर्च और दिखाता हूँ आपको चर्च। वहाँ से हम आ चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल से, मैं अंदर आ चुका हूँ, मैं पहला चर्च देख रहा हूँ जहाँ पे ना टिकट लेनी पड़ती है चर्च के अंदर आने के लिए, मात्र 10 रुपये की टिकट है ये। और ये सामने काफ़ी सुंदर और बड़ा चर्च है अंग्रेज़ों के ज़माने का, देखिए। तो जी मैं चर्च के अंदर चलता हूँ, चर्च के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इवन फ़ोन से भी
फ़ोटो नहीं खींच सकते अंदर, तो मैं कैमरा बंद करता हूँ, फिर देना हम अंदर चलते हैं, फिर बाहर आके मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा लगा मुझे चर्च। चलिए आइए, और यहाँ से चर्च की एग्जिट है, चलिए बाहर चलते हैं, फिर मैं आपको चर्च का एक्सपीरियंस बताता हूँ और थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने चर्च अंदर से देख लिया है। देखिए पहली बात, अगर मैं आपको चर्च का एक्सपीरियंस बताऊँ, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, इनके अंदर हम जाते हैं तो हम किस लिए आते हैं? मन की शांति के लिए। अंदर शांति है, काफ़ी बढ़िया है, आपको दिल को सुकून मिलेगा। और ये चर्च की अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊँ, तो ये चर्च अंग्रेज़ों के ज़माने का है, हमारी आज़ादी से भी पहले का, ये 1847 का चर्च है ये जो बना हुआ है, एस्टेब्लिश है। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, अंदर से काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल लगती है बिल्डिंग। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो नहीं कर सकते, तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ, अंदर आपको ना एक छोटा सा म्यूज़ियम मिलेगा अंदर एंट्री करते ही, देन उसके बाद आप अंदर चले आओगे तो आपको मेन चर्च मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। काफ़ी बढ़िया चर्च है, अगर आप आ रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल तो आप चर्च भी देख के जाइए, मस्ट कंसीडर है। चलिए आइए आप बाहर चलते हैं। तो जी जब आप चर्च से आ जाओगे बाहर की साइड, तो आप जब सीधा से आओगे तो आपको मिलेगा MP बिरला प्लेटिनियम क्लीन एंड ग्रीन। ये बेसिकली अंदर जाओगे यहाँ बिल्डिंग के, तो आपको वो बेसिकली तारा मंडल वगैरह दिखाया जाएगा, एक शो, ठीक है। चलिए आइए अब हम अंदर चलते हैं। जो यहाँ की टिकट है वो 120 रुपये पर हेड, ठीक है। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ, बाहर आके फिर बताऊँगा कैसा लगा। तो दोस्तों मैंने अंदर से देख लिया, देखिए कुछ ज़्यादा मतलब ठीक है, अच्छा है बेसिकली ये बोल सकते हैं, मतलब तारा मंडल वगैरह गैलेक्सी वगैरह के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि मतलब साफ़ सुथरा रखिए अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि जितना हम गंदा करेंगे ख़राब करेंगे उतना ज़्यादा ख़त्म होएगा हमारे रिसोर्सेज वगैरह, इसके बारे में बताया गया। बढ़िया है, देख सकते हैं, वन टाइम के लिए ठीक है। आप आइए देखिए, क्योंकि चर्च के पास ही और विक्टोरिया मेमोरियल के पास है ये, तो एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है ये भी। चलिए आइए अब हम बाहर चलते हैं। तो जी वो तो सामने से देख लिया मैंने प्लेटिनियम, तो अभी बाहर आके यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे आपको ना स्टॉल्स मिल जाएंगे लेमन वगैरह के, तो डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए मैं लेमन सोडा पी रहा हूँ। और ये पीछे देख रहे हो एम्बेसडर, जैसे अपने दिल्ली में ऑटो नहीं चलते काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे ऐसी टैक्सियाँ चलती हैं, मतलब ओला ऊबर तो चलती है उसका तो है ही, पर इसका ज़्यादा चलन है यहाँ पे चलने का। यार एक चीज़ है कि मैंने सोचा था कि ना मैदान बाज़ार और न्यू बाज़ार देख लूँगा, पर प्रॉब्लम ये हुई कि ना आज ना संडे का दिन है, ठीक है, संडे के दिन ना मैदान बाज़ार और न्यू बाज़ार दोनों ही बंद होती हैं, तो इसलिए वहाँ तो जा नहीं सकते। नहीं तो मुझे ये था कि मैदान मतलब वो है न्यू बाज़ार जो है वो तो खुला है, पर प्रॉब्लम ये है जो न्यू बाज़ार है ना वहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर नहीं मिलते कपड़े, मुझे स्पोर्ट्स वेयर चाहिए थे, तो फिर अभी सोचा जा रहा है कि कहाँ जाया जाए। इंदिरा गांधी का स्टैचू लगाया हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ कोलकाता की लोकल बस से न्यू मार्केट तक, देखिए लोकल बस कुछ इस टाइप की है, लोकल बस बहुत आवाज़ कर रही है, बट ठीक है टाइम पास है। यहाँ पे देखिए बस की जो टिकट होती है ना वो अभी भी ओल्ड स्टाइल वाली चलती है। एक और चीज़ है, बस बहुत बढ़िया है या मेट्रो, ये जो ये है ना ये टैक्सियाँ कोलकाता की, ये बड़े रेट काटते हैं भैया। जो इस जगह के बस ने 10 रुपये लिए ना वो 200 रुपये मांग रहा था ये, और ओला वाला चलो 150, वो भी चलो जायज़ है, कम से कम कार से तो आ रहे हैं, ये तो सीधा ही मतलब डबल ही 200 रुपये। तो न्यू मार्केट जो है वो दो तरह की है, एक है उधर की साइड, एक है इधर की साइड। वो वाली जो है वहाँ पे आपको घर के ग्रॉसरी वगैरह सब मिल जाएगा, और इधर की साइड जो मुझे मेन चाहिए स्पोर्ट्स वेयर वो इधर की साइड मिलेगा। तो चलिए आइए न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते आ जाए। संडे के दिन जो मैदान बाज़ार होता है वो बंद होता है, तो जो मैदान बाज़ार अंदर की साइड होता है ना वही लोग ना बाहर आके पटरियों पे अपने स्टॉल्स लगा लेते हैं और सेल कर रहे होते हैं। मैदान बाज़ार के बारे में ना मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड बताऊंगा, जब पूरा अच्छे से यहाँ पे वापस एक्सप्लोर करने आऊँगा और कोई दिन। अच्छा कोलकाता की ना जो एक बेस्ट चीज़ लगती है मुझे, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, वो है यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। मतलब सारी बिल्डिंग ना नॉर्मली बिल्डिंग भी सारी हिस्टोरिकल टाइप्स ही है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर की बनी हुई। तो जी मार्केट से शॉपिंग कर ली मैंने, काफ़ी थक गया था, तो मैं एक किसी ने मुझे ना रेफरेंस दिया था KC दास जो है स्वीट्स, वहाँ पे जाओ यहाँ पे काफ़ी अच्छी और बढ़िया स्वीट मिलती है। तो मुझे यहाँ पे आके पता चला ये ना 150 साल पुरानी शॉप है यहाँ कोलकाता की, 150 साल आज़ादी से पहले की है शॉप। तो मैंने यहाँ से लिया है रसगुल्ला और मिष्टी दही, और मैंने लिया मालपुआ। और भाई यहाँ पे रसगुल्ला है ना उसमें भी ना अलग अलग प्रकार के कलर है, मतलब अलग अलग प्रकार के फ्लेवर्स है, ब्लैक करंट, ब्राउन, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आके, बहुत टेस्टी है सीरियसली और काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो जी मैंने खा लिया है यहाँ पे, अब चलते हैं अपन बाहर। बढ़िया था खाने में, अब बाहर चलते हैं।
आप देखते हो टैक्सी लेनी है या अपना बस से वापस एडवेंचर करें। चलिए आइए एडवेंचर्स लेते हुए मैं जा रहा हूँ यहाँ की लोकल बस से कोलकाता की। और देखो यहाँ की टिकटें जो होती है ना छोटी, देखो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी, ठीक है, इससे पेपर भी सेफ हो रहा है। बेस्ट है, चलिए चल रहे हैं हम आगे की साइड। अभी अभी बोला है पूरा घंटा भर लगेगा शॉर्ट ट्रैक तक पहुँचने में, तो मज़े ले जा रहे सफ़र के। ये जो आप सामने पटरी देख रहे हो ना, ये ट्रैम की पटरी है। जो कोलकाता में नॉर्मल सिटी है ना, यहाँ पे ट्रैम अभी भी चलती है। कुछ एरिया में बंद हो गए और कुछ एरिया में अभी भी चलती है ट्रैम। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसी का, इसी साल ना 150 साल पूरे हो चुके हैं ट्रैम को चलते हुए कोलकाता में। जी सेक्टर 5 पे आ गया हूँ मैं, वो थी सामने वाली बस यूज़ करी। भाई माँ कसम, बस तो बढ़िया है पर उछालती बिल्कुल आसमान में बस। मज़ा आया बस में ट्रैवल करके। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोलकाता घूमूंगा, पूरा लोकल घूमूंगा, तो वही जा रही है। आज मेट्रो तो बंद थी इधर वाली साइड की, अब कल से मेट्रो खुल जाएगी इधर की साइड की भी, तो मेट्रो भी करेंगे यहाँ की ट्रैवल की, कैसी है यहाँ की मेट्रो। तो चलिए अब होटल में चलते हैं। और आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, सही समाप्त हो गया आज का दिन, मज़ा आया। सनसेट हो रहा है कोलकाता का पहला सनसेट देख रहा हूँ यहाँ पे मैं। पीछे होटल है, बस जाता हूँ होटल में और अब ये वाला एपिसोड में यहीं पे ही एंड करता हूँ। तो जाते जाते ये बोलूँगा स्टे कनेक्टेड, अच्छा खाना खाओ। और डे 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है कोलकाता में, डे 1 पे तो जो आया था मैं, डे 2 ही हो गया। अब डे 3 एक्साइटेड रहो और स्टे कनेक्टेड रहो, जुड़े रहोगे वीडियो में तो आपको पता चलता रहेगा इस सीरीज़ में क्या क्या चल रहा है। और ऐसी लोकल घूमेंगे, सस्ता टिकाऊ, पूरा अच्छी तरह घुमाऊँगा कोलकाता। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सी यू। तो जी मैं आ चुका हूँ स्टीमर के अंदर, वो रहा सामने हावड़ा पे। तो रेलवे स्टेशन से मैं बाहर आ चुका हूँ, लोकल कोलकाता एरिया में आपका स्वागत है। ये टिकट काउंटर है यहाँ का, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी, मात्र 6 रुपये की होती है स्टीमर की टिकट। अपने कब गेट खुलेंगे। मैं हूँ अभी शॉर्ट लेग सेक्टर 5 वाले मेट्रो स्टेशन पे और मैं आऊँगा यहाँ से सियालदह स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर।